ईडी अवैध खनन मामले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ कर रही। इस पूछताछ को लेकर झारखंड का सियासी पारा भी चढ़ गया है। एक तरफ सोरेन के समर्थकों का हुजूम जमा होने लगा है, तो वहीं हेमंत सोरेन समेत जेएएम के नेता बीजेपी और केंद्रीय जांच एजेंसी पर हमलावर हैं। ईडी के सामने पेशी से पहले हेमंत सोरेन बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार को गिराने की ये साजिश हो रही है। एजेंसियों को पूरी विस्तृत जांच पड़ताल करने के उपरांत ही किसी ठोस निर्णय पे या एक ठोस आरोप लगाना चाहिए। आज मैं राज्य का मुख्यमंत्री हूं, एक संवैधानिक पद पर हूं और जिस तरीके से समन की कार्रवाई चल रही है, लगता है कि हम लोग देश छोड़ के भागने वाले लोग। और मेरे राजनीतिक इतिहास में मुझे नहीं लगता है व्यापारियों को छोड़कर कोई राजनीतिक दल देश छोड़ के भागा हो या राजनीतिक दल के नेता देश छोड़ के भागे हों।